कुमाऊं की विजय संकल्प यात्रा के समापन पर मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र खटीमा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शहीद स्मारक पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों को लेकर कई घोषणाएं भी की। विजय संकल्प यात्रा के कुमाऊं मंडल कार्यक्रम में सहकारिता विभाग की ओर से 166 स्वयं सहायता समूहों को 213.50 लाख के चेक भी वितरित किए गए। 2014 से 2021 तक हमने 2100 किलोमीटर की नई सड़क बनाई है और उसका मजबूतीकरण का काम किया है। 2022 में 128 किलोमीटर सड़क उन्नयन का काम अवार्ड हो जाएगा और करीब 1353 किलोमीटर सड़क मजबूतीकरण उन्नयन का डीपीआर बन रहा है। और मैं विश्वास से आपको बताना चाहता हूं कि 2024 तक हम करीब और 2500 किलोमीटर का काम पूरा करके उत्तराखंड में 2,00,000 करोड़ रुपए के रोड के काम हम पूरे करके देंगे। ये मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं। अगर हम आज भी दिल्ली जाते हैं, अगर देहरादून से दिल्ली जाना होता है तो हमें 2 घंटे पहले एयरपोर्ट के लिए जाना पड़ता है, फिर 1 घंटा एयरपोर्ट से बाहर निकलने में लगता है, आधा घंटा फिर जो है जहां हमारा जाना होता है उस जगह के लिए लगता है, यानी कुल मिलाकर 4 से 5 घंटे फिर भी लग जाते हैं। और आप सड़क बना देंगे, जो आपने सड़क स्वीकृत करी है, तो उसके बाद मात्र 2 घंटे में पहुंचेंगे। अब आने वाले समय में आपको धामपुर नहीं जाना पड़ेगा, नगीना नहीं जाना पड़ेगा, सीधे अफजलगढ़ से सीधे रोड जुड़ेगा हमारा नजीबाबाद को, यानी कि 1 से 1.5 घंटे की दूरी कम हो जाएगी। पौड़ी जिले के चौबटखाल विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डिग्री कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की भारी भीड़ हरीश रावत को सुनने पहुंची। चौबटखाल विधानसभा से दावेदारी कर रहे राजपाल बिष्ट, कविंद्र रिष्टवाल समेत तमाम दावेदार अपने समर्थकों के साथ रैली में शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। अच्छी कांग्रेस बड़े बहुमत से जीतेगी, चौबटखाल इस बार पूरे पौड़ी को का नेतृत्व करेगा और कांग्रेस को विजयी बनाएगा। और क्योंकि मैंने इससे पहले भी चुनाव लड़ा, लेकिन इस समय मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश सचिव हूं और लैंडस्टोन का प्रभारी भी हूं। बाकी दावेदारी करना कोई गलत नहीं है, दावेदारी हमारी पूरी है, लेकिन पार्टी आला कमान का जैसा आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। मैं टिकट के लिए न दिल्ली गया हूँ न देहरादून गया हूँ। मेरा संगठन, मेरी पार्टी, मेरे कामों को देखते हुए, मेरे क्षेत्र में मेरे कामों को देखते हुए, दोनों चीज़ों को देखते हुए, संगठन में मेरी सहभागिता और क्षेत्र में मेरी सहभागिता को देखते हुए, यदि संगठन को, मेरी पार्टी को ये उचित लगेगा कि मैं बेहतर कैंडिडेट हूँ तो मुझे। जिस तरीके से महाराज अभी आप बोलते हैं यहाँ बहुत बड़ा कद है उनका, वो जिस तरीके कद के बड़े हैं पर वो अपने कद के हिसाब से ना हिल पा रहे हैं ना डुल पा रहे हैं। और यहाँ की जो विधानसभा है वो जीरो उसमें चल रही है, यहाँ कामकाज बिल्कुल ठप है। तो इस बार जनता भी परिवर्तन चाहती है और इस बार जरूर कांग्रेस भारी बहुमत से यहाँ पर आई है। विगत कार्यकाल इस क्षेत्र में रहा है उसमें हम पहले भी बोल चुके हैं, हम उन्हें 10 में से 1 नंबर भी देने को राजी नहीं है। शून्य विकास क्षेत्र में नहीं हुआ है, 54 भर का काम क्षेत्र में नहीं हुआ है। इतना बड़ा पद और कद महाराज जी का होने के बावजूद अगर विधानसभा के ये हाल है तो निश्चित ही लोगों में परिवर्तन का आगाज है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। मेरे 1-2 मुद्दे थे जो मैंने उठाए थे। एक तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टिक्कू, अभी आप जाके देखिएगा उसका भवन बहुत जर्जर है, वहाँ पे कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। मैंने माननीय जो हमारे क्षेत्रीय विधायक जी उनसे कहा था और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है उन्हें भी ज्ञापन दिया था, पर मुझे लगा उन्होंने कहीं भी कोई सुध नहीं ली, जिसके कारण मुझे आज कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी। और मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस आती है तो कुछ न कुछ परिवर्तन जो है वो जरूर होगा। अब उतना खाना हमारा कांग्रेस और कहलाना ही लगे हुई राशन खाना वो जल्द जगह बैठा जाए सर देश ही हो गया था। अब पक्का बने ले हमारे कांग्रेस पक्का था रोजगार राशन अगर लॉकडाउन हो जाए तो केवल फिर देहरादून में राजकीय इंटर कॉलेज थानों में रानी पोखरी बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया।
जिसमें पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने रानी पोखरी मंडल में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए हमेशा प्रयासरत रही है। मैं अनिल चंद्र पुनेठा, जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विवेक शर्मा, जो राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बुधवार को राजभवन में अनिल चंद पुनेठा को राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और विवेक शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलवाई। राज्यपाल ने दोनों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। विकासखंड जोशीमठ में पहुंचे बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक महेंद्र भट्ट ने पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को मोमेंटो देकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसका प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने महिला मंगल दलों को सामग्री भी वितरित की। महिला मंगल दल को मैंने सामग्री यहाँ पर किया है। इसके साथ साथ आज हमारे हिमाचल से आए हुए हमारे प्रभारी लोग आए हुए हैं और हमने जोशीमठ के नगर क्षेत्र के सभी नामदाताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया है और राष्ट्र के नाम वोट हो इस विषय को लेकर हम यहाँ पर अपना विषय रखेंगे और सबसे अधिक से अधिक मतदान सब युवा करें, ये भी हमारा आह्वान होगा। राज्य के इंटर कॉलेज कांडे किरोली में लंबे समय से प्रयोगशाला भवन की मांग को राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है। विधायक मीना गंगोला ने 83 लाख की लागत से बनने वाले प्रयोगशाला भवन और मुख्य भवन निर्माण का शिलान्यास किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। विधायक मीना गंगोला ने कहा कि सरकार के द्वारा धनराशि भी स्वीकृत की गई है, जल्द ही कांडे किरोली को आदर्श इंटर कॉलेज का दर्जा दिया जाएगा। बिल्डिंग थी हमारी और लगातार वहाँ के अभिभावकों की क्षेत्रीय जनता की मांग थी और वहाँ पे जब जब भी जो काम हुए भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार जब आई तभी हुए। आज भी बहुत बढ़िया लैब के लिए पैसा आया है, 68 लाख रुपए वहाँ पे आया है। अच्छा लैब बने, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे बच्चों की मात्रा है। काशीपुर में चुनावी समीकरण के बीच विधायक हरभजन सिंह चीमा अपने बेटे त्रिलोक सिंह चीमा को विधानसभा चुनाव लड़वाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस से दावेदारी कर रहे मनोज जोशी पर तंज भी कसा। दूसरी ओर मनोज जोशी ने भी कांग्रेस की जीत का दावा किया है। काशीपुर में भी 4 बार काशीपुर की जनता ने विधानसभा में भेजा है, लेकिन मेरा बेटा त्रिलोक सिंह वो टिकट के लिए सक्षम कामयाब नौजवान है। मैं भी चाहता हूं कि उसको टिकट मिले। कि जोशी जी अगर आते हैं तो मेरा बेटा त्रिलोक सिंह जो है वो मुझे तो चुनाव में जीतता देख करके वो वहां से भाग लेते थे जहां काउंटिंग होती थी, लेकिन त्रिलोक सिंह की जब वहां पर ये काउंटिंग चलेगी तो वो देखने जाएंगे। अब हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की खोखली बातों को कांग्रेस पार्टी समझ चुकी है और हम सब मिलकर के कांग्रेस इस समय एकजुट है और हमेशा एकजुट रही है। एकजुट होकर के फिर कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर के उभरेगी। काशीपुर विधानसभा की जनता भी समझ चुकी है, यहाँ के किसान जो पीड़ित थे, नवयुवक बेरोजगार थे, महंगाई की मार थी, उससे त्रस्त होकर के हम काशीपुर की जनता बैठी है। विकास बिल्कुल ही ठप हो चुका है।